भूमाफिया बना रहे कीमती प्लॉट को विवादित। लखीमपुर खीरी सियाराम गौड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमाफियाओं पर निरंतर सिकंजा कसा जा रहा है, फिर भी भूमाफिया प्लांटों को किसी न किसी प्रकार विवादित बना रहे हैं। जबकि घाटा संख्या 138/1044 ग्राम मीरपुर परगना खीरी लखीमपुर के बाबत स्थायी निषेधाज्ञा के बाद भूमाफिया दिव्या सहगल जो विवादित भूमि कम पैसों में खरीद कर महंगे दामों में बेचती है। मजे की बात तो यह है कि स्थानीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 24/11/2021 को स्टे करके 20 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दिया था। फिर भी भूमाफिया स्टे आदेशों की अवहेलना करते हुए जेसीबी से खुदाई करा रहे हैं और निर्माण के लिए मोरंग सीमेंट गिट्टी आदि इकट्ठा कर रहे हैं। भूमाफियाओं को ना प्रदेश के मुख्यमंत्री का खौफ है और ना ही अदालतों के आदेशों का डर है। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण जायसवाल। कहाँ रहते हैं? ग्राम मीरपुर। क्या मामला है, आप इंतखाब लेकर आए हैं? हमारी पुश्तैनी जमीन है, उसमें दबंग लोग अनावश्यक रूप से कोर्ट में स्टे है फिर भी कब्जा करना चाहते हैं, उस इससे बहुत परेशानी उत्पन्न हो रही है। कौन कौन लोग हैं वो? वो दिव्या सहगल हैं, प्रतिवादी संख्या 13 प्रतिवादी संख्या 13 और इस मुकदमे में 1 से 17 तक प्रतिवादी हैं और वो उसमें यही एक प्रतिवादी संख्या 13 जो है यही ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये कहाँ रहते हैं जिन लोगों कब्जा करना चाहते हैं? ये पंजाबी कॉलोनी लखीमपुर की रहते हैं। अच्छा, आप कौन कौन अधिकारियों के पास जा चुके हैं? हम एसपी साहब के पास जा चुके हैं, डीएसपी के पास जा चुके हैं, जिला अधिकारी के पास जा चुके हैं, एसडीएम के पास जा चुके हैं, कोतवाली में भी कई बार जा चुके हैं। इतने अधिकारियों से आप मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है आपको? मतलब पूर्ण रूप से कुछ संतुष्टि का आश्वासन नहीं मिला, ना ही न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए कोई विशेष मतलब आदेश दे रहे हैं? नहीं, विशेष आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अभी बता रहे थे कि वो तो लोगों ने तोड़ दिया है, तो उस पर काम रुकाया गया नहीं रुकाया गया? हाँ, तो काम फिर रुका दिया गया है, कल रुकाया गया है। 22 तारीख से चालू था बराबर काम, 22 तारीख से चालू था जी, कल रुकाया गया है जी। किसके आदेश से रुकाया गया था? वो एसपी साहब के आदेश से रुकाया गया था जी। आज आप एसडीएम साहब पास गए थे तो क्या बताया है? तो उन्होंने ये कहा कि हमारा ये कब्जे संबंधी दीवानी न्यायालय से कोई अधिकार है ही नहीं, वो पुलिस जाने, और एप्लीकेशन हमारी अलग रख दी। उसके बाद उनसे बातचीत हुई, तब उन्होंने कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन भेजी है।